और अब आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तरकाशी, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। हमारे सामने इस जलजले का असली रूप, किस तरीके से जगह टूट रही थी बीच में, हमें देखने को मिला। और जब हम यहाँ पहुंचे उत्तरकाशी में, और यहाँ के युवा लड़के और लड़की हमारे पास में आए कि सर हम ट्रेंड हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी अधिकार की, आप एक फौजी की तरह हमको ग्रुप करो, हमको ऑर्गेनाइज करो और हम चलते हैं। ये जो यात्री बड़ी भावना से गंगोत्री में आ रखे थे उनको बचाने के लिए, इन लड़के लड़कियों के जज्बे, NIM के इंस्ट्रक्टर का जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के हमने छोटी छोटी टीमें बनाई 10-10 लोगों की, और 120 लोगों की ग्रुपिंग करके उनको मेडिकल इक्विपमेंट दिया, उनको राशन दिया, उनको माउंटेनियरिंग का सामान दिया, और यहाँ से लेकर के और सुखी टॉप तक अलग अलग जगह टीम डिप्लॉय कर दी। और इस छोटी सी टीम ने जब कोई 10 या 11 दिन में 6,500 लोगों को रेस्क्यू करके लाए, तो उस दिन मेरे को समझ में आया वाकई में अजय कोठियाल तो बिल्कुल पावन ताकतवर जमीन पे आ गया है, जहाँ पे लड़के लड़कियों में ये शक्ति है। ये वो समय था जब मेरे को पता चला कि इससे भी बड़ा जलजला केदारनाथ में आ रखा है। और तब जब सरकार ने हमको बोला कि आप कुछ कर सकते हो वहाँ पे, तो हमारे मुँह से निकला जो इन लड़कों ने मेरे मुँह में डाला, मजा आ गया। और उसके बाद उत्तरकाशी से काशी विश्वनाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर के उत्तरकाशी की टीम